राम राम भाई सारे ने। आज अपना अखाड़ा वर्कआउट सीरीज का दूसरा दिन या दूसरा सेशन। तो सुबह भाई पहुंच गया हम अखाड़े में, बाबा का आशीर्वाद लिया और यो अपना करेंगे वर्कआउट शुरू। तो भाई करते हैं अपना वर्कआउट शुरू, रनिंग ते हल्की हल्की रनिंग करेंगे ताकि बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। और भाई रनिंग करेंगे आप अखाड़ा में, एक क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो पानी खड़ा हो रहा है, सारी रात बारिश आ होती खड़ा भी गच हो रहा है। तो आज आप अखाड़े की में कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे जो कि अपनी फैट लॉस थी या फिर कोर की जो कोर स्ट्रोंग करने थी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होंगी। तो भाई करें हैं अपनी रनिंग करके वार्म अप, रनिंग खत्म करके भाई करेंगे अपनी जॉइंट मोबिलिटी की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जिससे कि अपनी मसल स्ट्रेच हो जाए अच्छे से, अच्छे से वार्म अप हो जाए ताकि वर्कआउट करते टाइम कुछ भी पेन वगैरह या इंजरी वगैरह नहीं हो। बहुत सारे भाइयों का भाई मोस्टली कॉमन क्वेश्चन हो आकर कि हमारा वर्कआउट करते टाइम शोल्डर में पेन हो जाए है या फिर लेग्स में जॉइंट में पेन हो जाए। तो भाई उन भाइयों ने एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि अपनी जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज हो और वर्कआउट करते टाइम आपने किसी भी इंजरी का या पेन का सामना नहीं करना पड़े। ये भाई अपर बॉडी खातर भी हो और लोअर बॉडी खातर, लेग्स खातर भी। अच्छे से स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके भाई वापा करांगे जंपिंग कार्डियो एक्सरसाइज, ये भी भाई अपना एक वार्म अप का ही हिस्सा है। इन तो भाई अपनी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। और भाई ये 6-7 एक्सरसाइज हैं, ये आपने पूरी एक के सेट में करनी है और इन आप एक्सरसाइज में भी काउंट कर सका अगर आप इनके 4 से 5 सेट करांगे तो, क्योंकि ये अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में आवा है। अगर आप इसके 4 से 5 सेट करांगे तो इसने आप कार्डियो एक्सरसाइज में काउंट कर सके हैं और इसका अपना स्टेमिना भी इंक्रीज होगा, इंडोरेंस इंक्रीज होगा और अपनी फैट बर्न में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एक्सरसाइज और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी और इस अपनी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। तो आप वर्कआउट करते टाइम अच्छे से मोटिवेटेड और डेडिकेटेड फील करेंगे। और भाई इस एक्सरसाइज में कितने रैप करने हैं वो आपने कल वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी थी, तो भाई जिस भाई ने नहीं देखियो वो जाकर जरूर देखियो। अगली एक्सरसाइज भाई आप टायर की मदद तक करेंगे और भाई अगर किसी दो टायर नहीं हो तो आप 2-4 ईंट का अगर एक चट्टा बनाकर भी कर सके हैं या फिर कोई एक फूटे की इतनी दीवार हो या मंडेर हो आप उस पर भी कर सकें एक्सरसाइज। तो भाई यह अपनी अगली एक्सरसाइज, इसमें आप एक सर्किट है जो कि 3 एक्सरसाइज का कम्बिनेशन है। इस सर्किट की जो पहली एक्सरसाइज है वह भाई एक टाइप का रनिंग टाइप का है कि आपने एक पा पहले ऊपर लेना फिर दूसरा ऊपर, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करनी है रनिंग टाइप है। फिर आप एक साइड की पूरी करके, एक साइड के करने आपने 25 रैप कम से कम, फिर आप दूसरी साइड के करने हैं। फिर अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज है वह है अल्टरनेट लेग की जंप, जो कर एक पा नीचे एक पा ऊपर और पूरी जंप लेकर ऊपर तक यो करनी है। ये भी अपन नुए करनी है, एक साइड की 25 दूसरी साइड की 25। और जो अपनी तीसरी एक्सरसाइज है वह जंप विद सुकेट्स, इस एक्सरसाइज में अपन क्या करना कि नीचे तक जंप लेकर टायर पर बैठ कर सुकेट्स लगाना है और फिर वापिस जंप लेकर नीचे जाना है। और ये तीनों एक्सरसाइज का पूरा एक सर्किट है तो ये कंटिन्यू चलेंगी बिना रुके। और इसमें भी अपन 25 रैप लगाने हैं यानी 25 जंप और इस सर्किट के भी अपन 4 सेट करने हैं। अपनी भाई जो अगली एक्सरसाइज है उसमें भी 3 एक्सरसाइज का एक सर्किट है क्योंकि आज आप सिर्फ कार्डियो करेंगे। तो भाई इसमें आप वीडियो में देख रहे होंगे कि डंड की पोजिशन में दोनों हाथों के बीच में 1 बाय 1 करके लेग आए हैं। तो भाई इसमें अपन क्या करना कि एक बार एक पाँव, एक बार एक पाँव और ऊपर तक पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है। और इसमें जो अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस होगी वह होगी कि जब अपने पाँव आगे आओ हैं तो उस टाइम पर अपन सांस सारा बाहर निकाल देना है और जब पीछे जाओ हैं उस टाइम ले लेना है। और इस एक्सरसाइज का दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें अपन ने पाँव जो है वो बाहर की साइड लेकर आने हैं। तो भाई इसमें आप लगाओगे एक साइड के 15-15 या 10-10 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रैप लगाओगे तो दोनों साइड के मिलाकर लगभग 20 या 30 हो जाएंगे। और जो इस एक्सरसाइज का जो तीसरा पार्ट है उसमें आपन क्या करना कि दोनों पाग लेकर आने हैं और बाद में डंड लगाकर और जैप के साथ पीछे लेकर जाने हैं। इस एक्सरसाइज तो भाई जो अपना बेली फैट होगा ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। और भाई यह एक फुल बॉडी का वर्कआउट है, लगभग पूरी बॉडी की मूवमेंट हो है, तो यह अपना स्टेमिना भी इंक्रीज करेगी, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, इंडोरेंस भी बढ़ाओगी। और इस एक्सरसाइज के भी भाई आप 4-4 सेट करने हैं। या आगे भाई अपनी अगली एक्सरसाइज जिसमें आप की ईट का प्रयोग करेंगे, इसमें आप डम्बल का भी प्रयोग कर सकें या फिर प्लेट का भी या कुछ भी वेट चीज हो उसका। और आप देख सको वीडियो में कि यह एक्सरसाइज कुकर करनी है, साइड जंप लेकर स्क्वेट्स लगाने और अंदर की साइड जंप आओगी जब पाँव क्लोज रहोगे और बाहर की साइड जाओगे जब वाइड रहोगे। और एक हाथ है जो अपना हाथ में वेट होगा वो अपन अप डाउन करना है। या भी भाई अपनी कार्डियो एक्सरसाइज में आओ है जिस तरह की अपना फैट भी बर्न होगा और मसल भी डेवलप होगी। और भाई अपन ने इसके रैप लगाने हैं टोटल 20-20 या 30-30 भी लगा सके हैं।
अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग लगाने हैं और आपन इसके लगाने हैं चार चार सेट। और भाई जो एक्सरसाइज करने का तरीका है वो थोड़ा वीडियो में ध्यान से देख लो, ध्यान से सीख लो, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप अगर गलत तरीके से करा तो उसका अपन रिजल्ट ना मिला करे। तो भाई जो भी एक्सरसाइज करा अपन सही तरीके से करनी चाहिए। अपनी अगली एक्सरसाइज होगी भाई सपाटे, और भाई सपाटे मारने का सही तरीके की वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी है, और आप इस वीडियो में भी देख कर सीख सको हो कि आप नीचे जाकर डंड लगावा और ऊपर आकर डबल जैप लेवा। और भाई बहुत सारे भाइयों का कॉमन क्वेश्चन रहा कि आपने एक बार में कितने सपट्टे लगाने चाहिए एक सेट में, और कितने सेट लगाने चाहिए सपट्टे के, और आप रोज सपट्टे लगा सका के। तो भाई देखो जितने सेट लगाने चाहिए और जितने सपट्टे लगाने चाहिए ये सब अपनी अपनी कैपेसिटी पर है, तो इस चीज में किसी की रीस ना आकर भाई। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी हो भाई उतने लगाओ, और धीरे धीरे अपनी बॉडी ने पुश करते रहो और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करो। और भाई आप रोज सपट्टे लगा भी इसका, लेकिन ओनली सपट्टे नॉट सफिशियंट अपनी बॉडी थी, अब आप और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और अगर अपने अंदर कैपेसिटी है रोज सपट्टे लगाने की तो अपन रोज लगानी चाहिए। मैं लगाया करूँ भाई 50-50 के, चार सेट भी लगा लूँ, पांच भी लगा लूँ, छह भी लगा लूँ, और मैं रोज सपट्टे नहीं लगाता, हफ्ता मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन में सपट्टे लगा कर। और भाई सपट्टे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि अपनी ओवरऑल जो बॉडी है उसने बिल्ड करने में बहुत हेल्प करा है, अपनी फैट बर्निंग में भी हेल्प करा है, और अपनी मसल डेवलप करने में भी हेल्प करा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है भाई, सारे भाई ऐड करो अपना वर्कआउट में। अपनी अगली एक्सरसाइज होगी भाई उठा बैठी, और अगर आप जिम की भाषा में बोला तो स्क्वाट्स विद जंप करेंगे अपन, और यह एक्सरसाइज भी भाई अपना फैट बर्न करने में हेल्प करेगी, और लोअर बॉडी खातिर यह बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, अपनी लेग्स की मसल ने अच्छे से बिल्ड कर देगी भाई। और भाई रैप की बात करा तो अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग लगाने चाहिए, और कम से कम 5 से 6 सेट करने चाहिए इसे। अपनी जो आखिरी एक्सरसाइज होगी भाई आज की वह होगी हैंगिंग लेग रेज, और इसमें भाई अपन 4 से 5 सेट करने हैं, और रेपिटेशन कम से कम 15 से 20 करने हैं, जो कि अपना लोअर फैट है जो पेट का उसमें बर्न करेगी, और एब्स बनाएंगे भाई इसने। सारी रात भाई बारिश हो रही थी तो थोड़ी गंदगी हो रही थी, तो अपन मंदिर की कर दी थोड़ी साफ सफाई, वर्कआउट हो गया भाई खत्म, और ये अपन जो अपना लास्ट काम है वो करेंगे वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग करना, जिससे कि अपनी मसल रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और कुछ इंजरी वगैरह ना हो तो इसलिए अपन ने आखिरी में स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। और भाई आज का जितना भी वर्कआउट था वो था सारा कार्डियो वर्कआउट, जो कि अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड्योरेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और सबसे ज्यादा करेगा अपनी फैट बर्न करने में। और भाई यो वर्कआउट आप घर में भी कर सका, क्योंकि इसमें अपन किसी इक्विपमेंट की जरूरत ना पड़ी। तो आज का वर्कआउट हो गया भाई खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम भाई सबने।